अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, जब सनसेट का टाइम होता है तो सूर्य लाल जो आसमान है पूरा उदा लाल क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, परिकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आसमान का लाल दिखना, आसमान का ब्लू दिखना, ये किसके कारण? जब भी रंग की बात आएगी, आसमान किस क्यों रंगीन दिखाई देता है, इसका रीजन क्या होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, परकिरणन के कारण जो है आसमान का रंग, आसमान का जो रंग है वो ब्लू दिखाई देता है। सूरज उगने के टाइम, सूरज डूबने के टाइम लाल दिखाई पड़ता है, तो उसका जो रीजन है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग परकिरणन के कारण। सही जवाब है ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी रंग की बात आएगी तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। चाहे वो सुबह के टाइम सूरज निकल रहा हो तब भी आप देखेंगे कि पूरब के साइड में पूरा आसमान लाल दिखता है, जब रात में शाम के टाइम सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, तो उस टाइम भी आप देखेंगे कि पूरा आसमान लाल दिख रहा है, आसमान ब्लू दिखता है। सबका रीजन होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, परकिरणन के कारण ही ऐसा रंग रंग का जो दिखाई देना होता है वो परकिरणन के कारण दिखाई देता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर।